ఉంది. ఓస్మ్యావ్ ఓస్మ్యావ్ వెళ్ళిగో ఉంది. జిందాబాద్ వెళ్ళిగో ఉంది. జిందాబాద్ తీసుకోండి వాపసు. తీసుకోండి వాపసు. వెనరాయకొండ వాపసు. వెనరాయకొండ వాపసు. 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 ఓస్మ్యావ్ ఓస్మ్యావ్ వెళ్ళిగో ఉంది. వాపసు. వెనరాయకొండ వాపసు. వాపసు. వెళ్ళిగో ఉంది. జిందాబాద్ వెళ్ళిగో ఉంది. జిందాబాద్ వెళ్ళిగో ఉంది. జిందాబాద్ हम यहाँ 30-35 दिन से धेराव कर रहे हैं और फीस और हमारे कारण है फीस वृद्धि, एनएमसी बिल और एनआरआई कोटे की सीटें और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और वो इंटर्न का स्टाइपेंड जो कि बहुत ही काफ़ी कम है और लगातार फीस में वृद्धि 10-15 वो फीस वृद्धि पहले जहाँ पे 2500 थी वो बढ़ा के 50,000 तक कर दी गई है. हॉस्टल की फीस जहाँ पहले 2000 थी और वो बढ़ा के 44,000 रुपये कर दी गई है, जबकि ऐसी कोई यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है जो कि ताकि इतनी फीस दे सके और ये आर्थिक स्थिति से कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए बहुत ही ख़राब है. अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम आज भी धरने पर बैठे हैं और लगातार ऐसे धरने पर बैठे रहेंगे. हमने आज इस क्लासों का बहिष्कार किया है और इंटर्न डॉक्टर और ये सब कार्यों का बहिष्कार कर चुके हैं. और राधामोहन शर्मा हम लोग पिछले 30-35 दिन से वही चार पांच मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. पहली मांग है फीस वर्दी वापस ली जाए, एनआरआई कोटे की जितनी भी सीटें हैं उनको हटाया जाए, इंटर्न स्टाइपेंड बढ़ाया जाए, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाए और एनएमसी बिल को वापस लिया जाए. हम लोग पिछले 30-35 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पर इस मामले में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है. आज एक दल सुबह चिकित्सा मंत्री महोदय से मिलने की कोशिश कर रहा है सुबह से पर उसमें भी कोई आशा किरण नहीं दिख रही. अगर हमारी मांगे जल्दी से जल्दी नहीं मानी गई तो राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेज के यूजी स्टूडेंट्स आकर विधानसभा घेराव करेंगे और धरने पर बैठेंगे. डॉक्टर नितेश भास्कर.